दोस्तों सभी को नमस्कार सलाम। दोस्तों मैंने एक वीडियो आज अपने YouTube चैनल पर डाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ पाई, तो मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है और आप सभी को संदेश देना पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गुलाम हैदर का वकील अपॉइंट किया गया हूँ, और इस मामले में करीबन 1 साल से लोगों को नए नए झूठ बोल करके पूरे देश को पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा था। अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर, लीगल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर तथ्य सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सचिन की जो बेल मंजूर हुई थी, तो सचिन ने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा है कि भाई सीमा को अपनी पत्नी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर नहीं माना, और ना ही अपने जो शपथ पत्र उस एप्लीकेशन के अंदर दाखिल किया गया है नहीं माना। उसमें सिर्फ इतना कहता है कि भाई एक पाकिस्तानी महिला को मैंने भारत नेपाल से भारत की सीमाओं में बिना इजाजत के जो है प्रवेश कराया है, और कहीं भी, जबकि ये कहता है जी हमारी शादी नेपाल में हुई है, कहीं भी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट के में ये नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है। अब रहा नेत्रपाल का सवाल, तो नेत्रपाल भी अपने एफिडेविट के अंदर ये कहता है कि भाई मेरा कोई अपराध नहीं है, और नेत्रपाल भी इस बात को नहीं कहता कि सीमा गुलाम हैदर जो है वो सचिन की वाइफ है या इसने शादी कर ली है। ये वो रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, कोर्ट की सील इस पे लगी हुई है। तो नेत्रपाल का भी झूठ सामने आ गया है, सचिन का भी झूठ सामने आ गया, और सीमा का झूठ तो सबसे सामने आ गया है कि ये सचिन की कोई वाइफ नहीं है, ये आज तक गुलाम हैदर की वाइफ है, ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से सामने बात आ गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जी हमने तो सनातन धर्म यानी कि मुस्लिम से हिंदुइज्म में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक धर्म परिवर्तन कानून, यानी कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया है, और इस कानून के तहत जो भी किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 साल से 10 साल की बामुश्किल कैद होगी, उसको सजा होगी, और 15,000 से 50,000 के बीच में जुर्माना होगा। कोई व्यक्ति बच्चों का, महिलाओं का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको 10 साल की कैद होगी। उसमें SC ST के बच्चे हो या कोई भी नाबालिग बच्चा हो, उन बच्चों को अगर धर्मांतरण कोई करता है, उसका धर्म परिवर्तन करता है, तो 10 साल की कैद उसके अंदर होगी, 15,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, और उसको कैद भी होगी। और जहां तक सवाल हरियाणा का है, क्योंकि ये हरियाणा से बल्लभगढ़ के एरिया सेक्टर 59 से पकड़ी गई थी और बच्चे भी वहीं से रिकवरी हुए थे, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आपको मैं बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी ये कानून बना है, और इस कानून के तहत हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 जो कि 15 दिसंबर को लागू हुआ है, इसके तहत भी कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 10 साल की कैद होगी, और उसके ऊपर 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और अगर किसी को अपना धर्म परिवर्तन करना है अपनी मर्जी से, तो वो DM महोदय के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ 60 दिन पहले, धर्म परिवर्तन करने से 60 दिन पहले एप्लीकेशन देगा, और 30 दिन का DM वो फॉर्म ए जमा कराएगा डिक्लेरेशन में कि जी मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, और उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो DM महोदय है वो तमाम बड़े 2 अखबारात के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा कि इस व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू या सिख या ईसाई बनने के लिए DM कार्यालय में ये एप्लीकेशन दी है। अगर किसी व्यक्ति को ऐतराज है तो वो अपने ऐतराज शामिल कर सकता है, लेकिन सीमा मामले में ऐसा कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी धर्म परिवर्तन की डिक्लेरेशन जो है वो अखबार में अभी तक नहीं आई है, और ना ही इस प्रकार की मुझे लगता है कि कोई एप्लीकेशन दी गई है। तो ये आज तक कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, ये आज तक भी मोमडन की मोमडनी है, सिर्फ दिखावा धर्म परिवर्तन का कर रही है। और इसके अंदर जहां तक बच्चों का मामला है कि बच्चों का धर्म परिवर्तन में कानून क्या कहता है,
तो बच्चे का धर्म परिवर्तन बिना उसके बायोलॉजिकल फादर और उसकी उसके पेरेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। अगर दोनों जिंदा हैं तो दोनों की सहमति होना चाहिए जब जाकर के धर्म परिवर्तन किया जा सकता सहमति से। लेकिन इसमें कोई सहमति गुलाम हैदर के की बायोलॉजिकल फादर की नहीं है, तो इसके अंदर भी जो है ये बहुत बड़ा अपराध किया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश हरियाणा के फरीदाबाद में पहली एफआईआर धर्मांतरण कानून विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 के तहत 8 जून 2022 को एक एफआईआर हुई थी और लगभग 870 लोगों की के लगभग इस मामले में अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत सारी एफआईआर इसके अंदर दर्ज हो चुकी है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी इनका धर्म परिवर्तन की बात करें तो इन्होंने कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन भी नहीं किया है, ये निरी लोगों को भारत के लोगों को गुमराह कर रही है और भारत के लोगों को ये एक साल से जो है हमें सारी झूठ फैला रही है। अब सारा झूठ आपके सामने मैं ले आया हूं कि सीमा ना तो सचिन की वाइफ है और ना ही सचिन से उसकी किसी प्रकार की कानूनी शादी हुई है। तो जब इसकी कानूनी शादी नहीं हुई तो ये अपना आपको कैसे जो है ना अपनी वाइफ बता रहा है, और जमानत के सभी कागजात से नेत्रपाल के सचिन के सीमा के तमाम कागजात से ये मालूम हो गया है कि वो आज तक भी गुलाम हैदर की बीवी है और अपने आप को बचाने के लिए ये चोला ओढ़ रही है। तो ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों कि सच क्या है। मेरा काम आपके सामने सच लाना था तो मैं आपके सामने सच ले आऊं। जल्दी एक बहुत ही बड़ी आपको एक सूचना दी जाए। दोस्तों सभी को नमस्कार सलाम। दोस्तों मैंने एक वीडियो आज अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज़ ठीक नहीं आ पाई, तो मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है और आप सभी को संदेश देना पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं गुलाम हैदर का वकील अपॉइंट किया गया हूँ, और इस मामले में एक करीबन एक साल से लोगों को नए नए झूठ बोल करके पूरे देश को पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा था। अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर लीगल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर तथ्य सामने आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सचिन की जो बेल मंजूर हुई थी तो सचिन ने अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कहा है कि भाई सीमा को अपनी पत्नी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर नहीं माना और ना ही अपने जो शपथ पत्र उस एप्लीकेशन के अंदर दाखिल किया गया है नहीं माना। उसमें सिर्फ इतना कहता है कि भाई एक पाकिस्तानी महिला को मैंने भारत नेपाल से भारत की सीमाओं में बिना इजाजत के जो है प्रवेश कराया है, और कहीं भी जबकि ये कहता है जी हमारी शादी नेपाल में हुई है हुई, कहीं भी उसने बेल एप्लीकेशन के अंदर कोर्ट के में ये नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है। अब रहा नेत्रपाल का सवाल, तो नेत्रपाल भी अपने एफिडेविट के अंदर ये कहता है कि भाई मेरा कोई अपराध नहीं है, और नेत्रपाल भी इस बात को नहीं कहता कि सीमा गुलाम हैदर जो है वो सचिन की वाइफ है या इसने शादी कर ली है। ये वो रिकॉर्ड है आप देख सकते हैं, कोर्ट की सील इस पे लगी हुई है। तो नेत्रपाल का भी झूठ सामने आ गया है, सचिन का भी झूठ सामने आ गया, और सीमा का झूठ तो सबसे सामने आ गया है कि ये सचिन की कोई वाइफ नहीं है, ये आज तक गुलाम हैदर की वाइफ है, ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से सामने बात आ गई है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जी हमने तो सनातन धर्म यानी कि मुस्लिम से हिंदुइज्म में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक धर्म परिवर्तन कानून यानी कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया, और इस कानून के तहत जो भी किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराएगा तो उसको 3 साल से 10 साल की बामुश्किल कैद होगी, उसको सजा होगी, और 15,000 से 50,000 के बीच में जुर्माना होगा। कोई व्यक्ति बच्चों का महिलाओं का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको 10 साल की कैद होगी। उसमें SC ST के बच्चे हो या कोई भी नाबालिग बच्चा हो, उन बच्चों को अगर धर्मांतरण कोई करता है उसका धर्म परिवर्तन करता है तो 10 साल की कैद उसके अंदर होगी, 15 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा और उसको कैद भी होगी। और जहां तक सवाल हरियाणा का है
क्योंकि ये हरियाणा से बल्लभगढ़ के एरिया सेक्टर 59 से पकड़ी गई थी और बच्चे भी वहीं से रिकवरी हुए थे। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी